बोरीवली रहने वाले काफी लड़कियां थी। हाँ। तो हम आते थे और मस्ती करके आते थे ऐसे। वो दिन कब ऐसे निकल गए पता भी नहीं चला। हाँ। लेकिन आज भी याद करते तो हंसते। मैं सोच रही थी कि सर आपने मुझे इधर भेजा था क्रिकेट खेलने के लिए, इतना दूर से मैं कैसे आती थी आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने एक सेंचुरी स्कोर की और फिर एक डी डे आया फाइनल्स में, लॉर्ड्स में वो मैच था, एकदम पैक्ड था जहाँ तक मैंने सुना है, और वहाँ पे फिर आप लास्ट तक फाइट किया आपने और फिर 86 रन्स पे आपको वहाँ से डिपार्ट होना पड़ा। तो क्या फीलिंग आ रही थी जब आप वापस से पवेलियन के पास जा रहे थे वो 86 रन स्कोर करके? दिमाग में था कि अब हम टीम स्कोर कर पाएगी है कि कहीं कहीं ना कहीं कोई डाउट था? डाउट था माइंड में कि क्योंकि प्रेशर लेवल इतना था। हाँ। क्योंकि 50 रन भी उस सिचुएशन में करने, मतलब मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पीछे आने वाले बैट्समैन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके। मतलब काफ़ी बुरा लग गया था क्योंकि वो मैच तो ख़त्म करके आना चाहिए था लेकिन विकेट चली गई। लेकिन एक डाउट भी था कि इस प्रेशर में हमारे पीछे के बैट्समैन करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक दीप्ति और वेदा थी क्रीज पर तभी मुझे कॉन्फिडेंस था। जैसे वेदा आउट हो गई और बैक टू बैक मेरे बाद शुश का विकेट गया तो तभी थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन ये आउट होने के बाद डाउट तो आया था कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। और फिर वापस से जो आपको रिसेप्शन मिला वापस मुंबई आने के बाद और फिर यहाँ पे जो लोगों ने एक अलग प्यार दिया, अलग सपोर्ट दिया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आप लॉर्ड्स में उस दिन शाम को बैठे थे मैच के बाद? ऐसा कुछ लग रहा था कि मुंबई में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा था क्योंकि हम तो बहुत सैड थे, वर्ल्ड कप फाइनल हार गए और इतना करीब आके हारना मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। और ऐसा रिसेप्शन मुंबई में इंडिया में ऐसा कुछ रहेगा हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। हम तो बस वो मैच के बारे में ही सोच रहे थे। इनफैक्ट हम दूसरे दिन कमिश्नर के घर पे गए थे और अच्छा हाँ, और उन्होंने इनवाइट किया था हमें टीम को। हाँ। और तब भी हम ऐसे ही वैन में जा रहे थे और हाँ। बातें कर रहे थे कि अरे क्या यार मैच गया ये। हाँ। अफसोस मना रहे थे बहुत। तो हाँ। ऐसे ही हमारी बातें हो रही थी। हाँ। तो जुलुदी ने तभी बोला था कि अरे अब भी हमें कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। जैसे हम घर पे जाएंगे सोएंगे। हाँ। तब भी हमें पता चलेगा हमने क्या किया। मतलब हमने कितने करीब आके हम हारे हैं, अभी हमें तो कुछ नहीं फील हो रहा है। लाइक हम तो सिर्फ सैड है और एक दूसरे के साथ है अभी तो। हाँ, कुछ नहीं, जब हम अकेले घर पे अकेले रहेंगे तब हम बहुत मिस करेंगे वर्ल्ड कप को। तब वो ज्यादा हिट होगा, वो तब वो ज्यादा हिट करेगा। ऐसे सब बातें चल रही थी और जैसे हम फिर एयरपोर्ट पे आ गए, मुंबई एयरपोर्ट पे टीम आ गई और रात के 2 बजे हम लैंड हुए थे। हाफ ऑफ करके हम आ रहे थे 2 बैचेस में, तो एक बैच हमारा रात को 2 बजे आया। और हम सोच रहे क्या कुछ मतलब ऐसे ही सैड फेस लेके जाना है अभी, क्या यार कुछ सब कुछ मिस हो गया ऐसी फीलिंग थी। और जैसे हम लैंड हो गए मुझे फोन आने लग गए। हाँ, यार इतने रात में कौन फोन कर रहा है? और डॉक्टर पीवी शेट्टी सर जो एमसीए के सेक्रेटरी थे तभी, तो उन्होंने तभी इतना ग्रैंड वेलकम बाहर रखा। मैं बता रही थी स्मृति को कि अरे कुछ तो है फोन आ रहे मुझे। वो बोल रही अरे कुछ नहीं होगा ऐसे ऐसे, कौन आएगा इतनी रात में। अच्छा ठीक है चलो फाइन। तो उनके फोन आ रहे थे तुम कहाँ पहुँच गए, और हम पहुँच रहे बस बाहर ही आ रहे। हाँ। जैसे बाहर आ गए तो मतलब इतना शोर था हमारे लिए और हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ होगा। और वो लास्ट 4-5 o'clock तक चला सुबह। ओह वाओ। होटल जाने तक, मतलब होटल में भी इंटरव्यूज रात में। क्या बात है। और फिर सुबह उठे, फिर हमारा वो सब मीडिया रखा था उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीसीसीआई ने रखा दूसरे दिन। और हम पीएम के घर गए दूसरे दिन। ओ यस, वो कैसे भूल सकते हैं। पीएम से मिले और ये सब अच्छी बातें हो रही थी। फिर सीएम
फिर आके मैं सीएम से मिले हम लोग, महाराष्ट्र सीएम, और उसके बाद मैं यहाँ पर आई बोरीवली में. जब आई उन्होंने मुझे बोरीवली में ही, मतलब जैसे एंटर किया मैंने वैसे ही उठाया और पूरा गाड़ी में घुमा के पूरा बोरीवली घुमाया. और मैं इतना थक गई कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. लोग पूरी कॉलोनी पूरी नीचे उतरी थी, मतलब जाते वक्त एक भी बंदा नहीं था देखने के लिए, पूछने के लिए. हाँ, जब आप जा रहे थे इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए. हाँ, जाने से पहले कोई नहीं पूछने आया नहीं तुम जा रहे हो भाई कोई. हाँ. लेकिन आने के बाद जो था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. हाँ, लेकिन जाते वक्त थोड़ा बुरा लग गया था कि अरे कोई भी नहीं है, मैं हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है हमें, थोड़ा सा बुरा लग गया था. लेकिन तभी सोच लिया कि नहीं भाई रुको, हम आते तभी दिखाएंगे. हाँ, हम वर्ल्ड कप जाकर ही दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था अंदर से, क्योंकि टीम इंडिया इतना अच्छा खेल रही थी तो मुझे, मतलब सब कंट्रीज को हमने हराया था और इतना कॉन्फिडेंस था कि हम वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करके ही आएंगे. तो और हमने अच्छा किया और लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, और तभी कुछ ऐसे लगा ही नहीं कि हमने वर्ल्ड कप हारा है. करेक्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज था. Yes, वो फील ही नहीं हुआ ना, फील ही नहीं हुआ कि हमने कुछ हारा है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोले तुमने जीता ही है वर्ल्ड कप हमारे लिए. Yes, actually. और इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. और आई एम श्योर हम और अच्छा करेंगे. वर्ल्ड कप जब भी आप लोग का हो गया 2017 वर्ल्ड कप, ठीक है, उसके बाद अक्षय कुमार आए थे, आप शायद उनको मिले थे ग्राउंड पे ही थे, राइट? तो उन्होंने क्या कहा वो टाइम पे आके? एक्चुअली अक्षय सर आए थे, लेकिन हम लोग इतने, मतलब मैं खुद इतनी नर्वस थी तभी, बहुत नाराज थी. सर इतना ही बोले कि कोई नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है. सही बात है, आपको हिंदुस्तान जाकर पता चलेगा आपने क्या किया है. मतलब हमने क्या किया मैच, ऐसे सोच रही थी नहीं बहुत चेंज किया आपने. Absolutely. पूरा इंडिया आपके लिए वेट कर रहा है. आपने वर्ल्ड कप जीता ही है इंडिया के लिए. तो ऐसे उन्होंने बोला, और उसके बाद कई इंटरव्यू भी हुए थे उनके साथ. करेक्ट. सबसे सीरियस बैटर कौन है टीम में? सीरियस बैटर शायद मैं ही हूँ. अच्छा. और थोड़े मिताली दी लगते. Okay. मिताली दी सीरियसली बैटिंग करते. Okay. काफी कम हंसते, जोक भी कम करते. अच्छा, जोक भी कम करते. या सबसे ज्यादा जोक कौन करता है वहाँ पे 22 यार्ड्स के बीच में खड़े? I think chill, शायद स्मृति रहती है, बहुत चिल रहती है. Okay. Even जेमिमा भी बहुत सीरियस बैटिंग करती है. जेमिमा सीरियस बैटिंग करती है? मेरे साथ तो सीरियस है, लेकिन जब वो शायद स्मृति के साथ करती होगी शायद तभी जोक करती होगी, पता नहीं. Okay. लेकिन मैंने जितना देखा है मिताली दी काफी सीरियस रहते. उन्होंने तो मतलब वर्ल्ड कप के मैच के पहले भी बुक पढ़ रहे थे इतने इंटेंस सिचुएशन में भी. वो और कौन कर सकता है फोकस? रीडिंग तो मेरा फोकस होगा ही नहीं. पहले आप रीडिंग करते थे स्कूल कॉलेजेस में, था ऐसा शौक रीडिंग का? नहीं, इतना शौक नहीं था. पढ़ाई के लिए रीडिंग तो करना ही पड़ता था, लेकिन अभी मैं रीड करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ मैं. नाइस नाइस. अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स रहे माइंड भी. ओके, तो लेटेस्ट कोई बुक जो आपको याद हो? लेटेस्ट अभी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ओहो, ये पढ़ रही हूँ मैं. यहीं से सब आ रहा है पॉजिटिविटी. कौन से बॉलर्स को आपने खेलना बहुत एंजॉय किया है कि हाँ ये तो मैं मार ही लूंगी डोमेस्टिक में? पहले इंडिया में हाँ, कि इस बॉलर को मतलब मैं आग बंद करके ही मार सकती हूँ ऐसा. नहीं, ऐसा मैं कभी सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना कभी लाइट नहीं लेती हूँ किसी को. शायद वो एटीट्यूड मेरे में है नेचुरली. मैं कोई भी बॉलर को लाइट नहीं लेती, क्योंकि मैंने देखा है लल्लू से लल्लू बॉलर आके विकेट ले सकता है बैटर का अगर हम ऐसा करेंगे तो. लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है. लेकिन किसका बॉल खेलने में बहुत मजा आता? ऑब्वियसली झूलन दी. अच्छा मजा आता है क्योंकि पेस होता है उसमें. Yes, पेस होता है और चैलेंजिंग लगता है. Okay. क्योंकि वो खुद इतना चैलेंज से बॉल डालते हैं कि मुश्किल कर देते रन के लिए. लेकिन उनके अगेंस्ट खेलना एक चैलेंजिंग है, और चैलेंज लेकर खेलना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे. फेवरेट आपका सॉन्ग कौन सा रहा अभी तक, कोई एक अगर पिक करना हो? आप वैसे सॉन्ग सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो? बहुत सुनती हूँ. कौन सा एक जो हमेशा आपके दिमाग में से बचते रहता है?
अभी जो रिसेंट मूवी आया था कबीर सिंह का, हाँ, कौन सा वाला? मेरी राय अच्छा, तेरे तक है, वो ही पसंद है ओके, अभी तक अभी रिसेंटली वही पसंद है गाना लेटेस्ट तो हाँ. आपका ये चेंज होते रहता है फेवरेट क्या? हाँ अच्छा. ऐसे अच्छा लगे ऐसे चेंज होते रहता है okay. और एक म्यूजिक तो बस क्रिकेट के टाइम पे सुनती हूँ लाइक जब भी हम ट्रैवल करते तभी, बाकी इतना म्यूजिक होता नहीं है. ये कबीर सिंह मूवी के साथ पूरे इंडिया टीम का लगता है ऑब्सेशन है. अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था वेला ने, आपने देखा होगा ये T20 वेस्ट इंडीज में और डिनर के जस्ट बाद ये सब चालू हो गया. हाँ उसी मूवी का गाना था. हाँ उसी मूवी का गाना ही था. हाँ 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 कैसे हुआ कैसे हुआ करेक्ट करेक्ट. हाँ 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 हाँ. आपका फेवरेट डिश की खाने में ये मतलब ये मिल जाए तो मतलब हो गया मेरा काम हो गया आज. वॉलनट ब्राउनी. वॉलनट ब्राउनी यस. अच्छा तो ये आपका फेवरेट है. यस. और ऐसा कोई नॉर्मल डिश जो आप कभी भी खा सकते हो? अभी जैसे वॉलनट ब्राउनी आपको शायद एवरी टाइम नहीं मिले ना. घर का खाना कुछ ऐसा स्पेसिफिक मम्मी जो बनाती हो? घर का खाना मुझे सबसे बेस्ट ना फिश लगता है घर पे. हाँ फिश में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना. फ्राइड फिश ओके. और मम्मी जब फ्राइड फिश बनाती है और वो राइस और नॉर्मली महाराष्ट्रियन तो वही खाते हैं लेकिन मुझे घर पे वही खाना बहुत पसंद है. वो आप लोग का स्टेपल फूड है ना. राइस करी. फिश राइस. राइस करी एंड पॉमफ्रेट फ्राइड सुरमई. वो फिश में सब खाती हूँ मैं. अच्छा. वो फ्राइड फिश ज़्यादा एंजॉय करती हूँ. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अगर मैसेज देना हो आज के जो काफ़ी सारी लड़की आप क्रिकेट खेलना चाहती हैं क्योंकि उनको फ्यूचर दिखता है, उनको एक स्टेबिलिटी दिखती है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका जो आज एक यंग लड़की क्रिकेट खेलना शुरू कर रही है? मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, अगर कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स हो क्रिकेट या फिर कोई भी, आप उस स्पोर्ट्स को कितना सीरियसली ले रहे हो okay. या फिर कितना आप सीरियस हो स्पोर्ट्स को लेकर, आप कितना आगे तक जा सकते हो, आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप इस स्पोर्ट्स में रह के आप कितना आगे अच्छा कर सकते हो, या आपको खुद को पता होना चाहिए. और आप अगर आप कोई फील्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको सीरियसली लेना ही चाहिए और आपको 100% देना ही है. ऐसे नहीं कि मैंने आज मुझे मन किया क्रिकेट खेलने का, कल मुझे फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है. ठीक है यू कैन प्ले वेरियस स्पोर्ट्स बट कहीं ना कहीं आपको एक फेज आता है ना वहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ता है. पिक करना जरूरी है. हाँ एक पिक करना जरूरी है. और आप सारे फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में आगे जाना है, आगे तक करियर करना है, तो आप उस चीज़ के लिए सीरियस होना पहले तो बनता है. तो जब आप क्रिकेट परस्यू करना शुरू कर रहे थे तब तो आपका कोई रोल मॉडल था? क्योंकि तब वो टाइम पे विमेंस क्रिकेट में काफ़ी कम रोल मॉडल, मतलब मैंने टीवी पर क्रिकेट देखा था जब मुझे पता नहीं था टीम इंडिया है अपनी एग्जिस्ट है विमेंस की. हाँ लेकिन मैंने जब टीवी पर देखा अपने टीम को खेलते हुए तब मैंने अंजुम चोपड़ा मिथाली राज इनको देखा था खेलते हुए और उनको देख के मैं इंस्पायर हो गई कि हाँ इंडियन टीम है तो मैं भी इंडिया के लिए खेल सकती हूँ. तो तब भी से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली क्रिकेट में सीरियस होने. तब से मैं क्रिकेट सीरियस ले लिया मैंने. मैं तो ऐसे ही खेल रही थी, पसंद था इसलिए. जब मैंने टीवी पर देखा तब सीरियस लिया मैंने क्रिकेट. और मिथाली राज ऑब्वियसली मेरे इंस्पिरेशन थे तब भी वेमेंस क्रिकेट में. और काफ़ी मेन प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर. अभी दो दिन पहले मैं माटुंगा जिमखाना के सामने थी मेरे कोच के साथ पोद्दार कॉलेज के सामने और ऐसे ही खड़े होके मैं सोच रही थी कि सर आपने मुझे इधर भेजा था क्रिकेट खेलने के लिए, इतना दूर से मैं कैसे आती थी आपको पता है. पूरा दादर उतर के वो किड बैग लेके इधर तक चलना, मतलब पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से थी मेरे में. और वो मैंने सब एक्सपीरियंस किया और कैसे किया मुझे, मैं आज भी हंसती हूँ. और अब रियलाइज नहीं होता ना कि अरे हमने वो सब कर लिया, वो सब अचीव किया है ना. हाँ मतलब इतने सारे ऑब्स्टेकल्स थे लेकिन फिर भी हम आज जिधर है शायद उसी के वजह से स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, मुंबई के वजह से. क्योंकि मुंबई में ट्रैवल करना इज़ बिगेस्ट चैलेंज और शायद मैं वहाँ से ही स्ट्रांग हो गई. आज भी हम ट्रैफिक में जाते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करती हूँ लेकिन तभी भी ट्रैफिक में फंसते हैं. लेकिन बहुत चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यू नो ट्रैफिक में फंसने के बाद.
लेकिन शायद मैं उसी से स्ट्रांग हुई और पेशेंस ज्यादा डेवलप हो गए मेरे. एक्चुअली हम लोग रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोग टूर पे गए थे साउथ अफ्रीका से आ रहे थे वापस. और मैं एकता और सुषमा हम तीनों आ रहे थे. और कुछ दो प्लेयर और भी थे वो पहले ही जा चुके थे. और सुषमा शायद मतलब ऐसे शॉपिंग कर रही थी और हमारी भी हो गई थी शॉपिंग और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था. और हमने वहाँ पे फ्लाइट मिस कर दिया दुबई में. और हम तीनों भी दुबई एयरपोर्ट पे रह गए छूट गए. ठीक है. और फिर जो तीनों की फट गई मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. हाँ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि दुबई में जाके हमने फ्लाइट मिस किया है. दुबई टू मुंबई मिस किया था. और ये तो ये हमेशा याद रहेगा. हम तीनों भी ऐसे फंसे थे बुरी तरह कि अभी क्या करें. हम डर रहे थे कि हम किससे कॉन्टेक्ट करें. हम किसको बताएं. और कोई एक्सपीरियंस ऐसे अब्रॉड कहीं इंटरनेशनल टूर पे हो आप लोग वहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट में अगर गए हो या कहीं शॉपिंग कर रहे हो कोई इंडियन मिलके कुछ इंटरेक्शन ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो एक फनी मुझे चाइना में ही लगा था. हम चाइना गए थे और वहाँ पे एशिया कप खेलने. हाँ अच्छा 2012 समथिंग. ओके. तो तभी उनको भी इंग्लिश नहीं आती और ना हमें चाइनीज आती है. हाँ. तो हमारी फिर वाट लग गई थी कि अभी इनको कैसे समझाए कि हमें क्या चाहिए. okay. और हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था. exactly. प्लेट खाली पड़ी है हम क्या खाए समझ में नहीं आ रहा था. ना उनको पानी दे मतलब पानी चाहिए वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको चाहिए क्या. 10 मिनट गए थे एक बंदी को समझाने के लिए कि भाई हमें पानी चाहिए. और वहाँ पे कौन कौन आप सब लोग थे क्या आपका कोई हमारी पूरी टीम थी. पूरी टीम थी वहाँ पे तभी. और उसको हमें पानी चाहिए था लेकिन वो कुछ और लाकर दे रही थी जैस्मिन टी और क्या 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 मतलब समझ में नहीं. और उसने और चार लोगों को बुलाया कि तुम समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं. हमें पानी चाहिए इसको ट्रांसलेट करो. यस. ये तो मतलब ये तो समझना चाहिए ना कि ये पानी का इशारा है. हमें पानी चाहिए. उसने जैस्मिन टी लाया. शायद उनके देश में पानी नहीं पीते इसलिए. तो अभी करंट सेटअप में पूनम जो अभी करंट इंडियन टीम है उसमें आपको कौन लगता है एकदम प्रॉमिसिंग टैलेंट है और जो एकदम लंबा जाएगा टीम में? मुझे से लगता है जेमिमा रॉड्रिग्स. अच्छा. मतलब अच्छी यंगस्टर है और काफ़ी शी इज़ बीन डूइंग वेल फॉर द कंट्री. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है आगे भी बहुत अच्छा करेगी वो. करेक्ट. इसमें और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया ए खेल रहे शायद वहीं से भी कई प्लेयर्स अभी एक्सपोजर मिल रहा है. yes. गर्ल्स को अभी अच्छी प्लेटफॉर्म. यस. अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रही है परफॉर्मेंस करने के लिए. Correct. तो काफ़ी लड़कियां आ सकती है आगे लेकिन जेमिमा इज अ स्पेशल टैलेंट. ओके ओके. एक मुंबई कनेक्शन भी है जेमिमा के साथ ऑब्वियसली. मुंबई और बोरीवली और संजय गायतोंडे सर कॉमन कोच. यस. ओके. काफ़ी सिमिलैरिटी जब मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी सिमिलैरिटी लगी मुझको आपके और रोहित शर्मा में. एक तो मुंबई कर्ज हैं दोनों. दूसरे सेम जर्नी से आते हैं. दोनों ने वो स्ट्रगल्स देखे हैं अर्ली इन देयर लाइफ. तीसरा सेम क्लब से आप लोग लोकल ट्रेन की स्ट्रगल. लोकल ट्रेन की स्ट्रगल. बोरीवली टू चर्चगेट जाना. यस. बोरीवली टू चर्चगेट सेम. वापस चर्चगेट टू बोरीवली रिटर्न. यस. किड बैग लेके जाना एक अलग अलग चैलेंज. बिगेस्ट चैलेंज इवन वो क्राउड में. कैसे ले जाते थे आप किड बैग? मतलब मैंने एक्चुअली छोटा किड बैग रखा था. अच्छा. ताकि मैं ट्रैवलिंग के टाइम में अंदर घुस पाऊँ ट्रेन में. बड़ा किड बैग नहीं कैरी कर सकते तो मैंने ऐसा किड बैग साइज रखा था कि मैं इजीली अंदर ट्रेन में हाँ ट्रैवल कर पाऊँ. और लेकर जाती थी जो छोटा सा हैंड बैग था और ऊपर डाल देते थे और बैठ जाते. बैठ कभी कभी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी. हाँ, दादर से. हाँ, तो हम नीचे ही बैठ जाते थे. ओह. और फुल मस्ती करके आते थे पूरा. तीन चार फ्रेंड्स थे हम एक साथ आते थे. ग्रुप हो गया एक आपका गैंग. हाँ, तीन चार फ्रेंड्स थे बोरीवली रहने वाले काफ़ी लड़कियाँ थी. हाँ, तो हम आते थे और मस्ती करके आते थे ऐसे. वो दिन कब ऐसे निकल गए पता भी नहीं चला लेकिन आज भी याद करते तो हंसते कि हमने कैसे ट्रैवल किया. yes, yes, yes.